नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पुणे वेस्ट के वीडियो को बनाया जाए, तो आज हम लोग आ चुके हैं पुणे वेस्ट में। और आज इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं हिंजोड़ी का पूरा वर्क प्रोग्रेस, जिसमें आपको फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये तीनों फेजों को इसमें हम लोग कवर करेंगे, जो कि मानगांव और भोयरवाड़ी तक फैला हुआ है। और चल के देखेंगे भी कि किस किस प्रोजेक्ट का काम चालू है, उनके डिटेल को जानेंगे और फिर एक एक करके सबके रिव्यू को भी लाएंगे। दोस्तों, हम लोग 6 जुलाई को अनिल माधव दवे जी के याद में प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, जैसा कि हर साल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। और यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करके जो सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। बीच में भी मैं वीडियो के 30-40 सेकंड में इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सारे डिटेल को। यदि आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक भी अपने शेयर करें। अभी हैं हम लोग भुजबल चौक के पास, और जो सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये है हिंजोड़ी फ्लाईओवर, या फिर आप इसे वाकड़ फ्लाईओवर भी कह सकते हैं। राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वाकड़ के लिए जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इस हाईवे के राइट साइड में वाकड़ है, और लेफ्ट साइड में जहाँ हम चल रहे हैं ये हिंजोड़ी फेज 1 फेज 2 और फेज 3 के लिए रास्ता जाता है। फ्लाईओवर के एक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे मेट्रो का काम चालू है। अभी मेनली यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग वगैरह का काम चालू है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर के तरीके से मेट्रो बनाया जाएगा। इसी रोड पे थोड़ी दूर आगे बढ़ते हुए हम लोग हिंजोड़ी पुलिस स्टेशन तक चलेंगे, जो कि राइट साइड में है, और उसके सामने से लेफ्ट टर्न जा रहा है हिंजोड़ी फेज 1 और फेज 3 के लिए, जिसे मानगांव रोड भी कहते हैं। उस रोड पे चल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। अभी राइट साइड में हम लोग विवांता होटल को क्रॉस कर रहे हैं, और इसके बाद आपको दिख जाता है ब्रांड फैक्ट्री, डी मार्ट और बिग बाजार। और यहां से जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें पड़ जाता है पंचरत्न चौक। अभी राइट साइड में हम लोग MIDC पुलिस चौकी हिंजोड़ी देख पा रहे हैं। अब हम लोग लेफ्ट चलेंगे हिंजोड़ी फेज 1 रोड पर। अभी लेफ्ट साइड में हम लोग रंजीत हॉस्पिटल क्रॉस कर रहे हैं। ये रास्ता हमें मानगांव तक ले जाता है और हिंजोड़ी फेज 3 में भी कनेक्ट कर देता है। इस पूरे लोकेशन का वीडियो मैंने पहले भी कवर किया है, जिसे आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं उस समय क्या हाल था। अभी ऑब्वियस है, लॉकडाउन का जो माहौल है उसकी वजह से आपको रोड पे ट्रैफिक काफ़ी कम दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में अभी हम लोग परसिस्टेंट को क्रॉस कर रहे हैं, जिसको कि इन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, यानी कि 4 वेदों के नाम पे। परसिस्टेंट के पुणे में 4 ऑफिसेज हैं, जिसमें कि हिंजोड़ी में ही 2 ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस SB रोड पे है और एक एरंडौने में है। अभी सामने हम लोग हयात प्लेस होटल देख पा रहे हैं, और इसके जस्ट सामने है हिंजोड़ी पुलिस स्टेशन। अभी लेफ्ट साइड में हम लोग तमन्ना एग्जीक्यूटिव को क्रॉस कर रहे हैं, और सामने हमें दिख रहा है लेमन ट्री होटल। इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो इंफोसिस का टावर है। और यहां से आगे बढ़ते ही हमें मिल जाता है इंफोसिस सर्कल। लेफ्ट साइड में ये जो रास्ता आपका जा रहा है ये कॉग्निजेंट, एसेंचर, ब्लू रिज सोसाइटी और सिम्बायोसिस के लिए जाता है। और अभी हम लोग टाटा टेक्नोलॉजीज का ऑफिस देख पा रहे हैं।
अगर राइट साइड में हम देखें तो राजीव गांधी MIDC रोड है जो आपको हिंजौड़ी फेज 2 की तरफ जोड़ देती है, और राइट साइड में ही विप्रो का भी ऑफिस है। अभी हम लोग मानगांव रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। इस रोड को मैंने पहले भी कवर किया है, पहले ये रोड काफ़ी गड़बड़ था और अब बन चुका है तो काफ़ी सुकून है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको पबजी कैफे मिल जाता है, खेलते खेलते आप यहाँ पे चाय भी पी सकते हैं आके। अभी राइट साइड में हमें गोदरेज एलिमेंट्स और गोदरेज 24 दिख रहा है। यहाँ पे हमें बाहर से कोई वर्क प्रोग्रेस तो नहीं दिखा, लेकिन जब हम इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो ले आएंगे तो उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें कवर करके दिखाएंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो पेनिनसुला लैंड का अशोक मेडोज प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी विवादों में रहा है, इसके बारे में और गोदरेज के प्रोजेक्ट के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू जल्द ही अपलोड करेंगे हम लोग। इसी मानगांव रोड पे आगे बढ़ते हुए हम लोग HP पेट्रोल पंप को क्रॉस करेंगे और लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट लेते ही जैसे हम आगे बढ़ते हैं राइट साइड में हमें VJ का यशवंत प्रोजेक्ट दिख जाता है। ये सारा लैंड जो आप देख पा रहे हैं ये जॉयविले का ही था, VJ ने जॉयविले से परचेज करके ये प्रोजेक्ट बनाया है। और यहाँ पे 100+ एकर है सापुरजी पालुनजी का, जिसमें कि ये पूरा लैंड पार्सल स्कैटर्ड है, यानी कि आप एक साथ 100 एकर प्लस का टाउनशिप नहीं कह सकते इसे। ये एक एक करके सेगमेंट्स लगातार लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने एक जॉयविले का सेगमेंट लॉन्च किया और अब वो नियर पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, और अब उसी लैंड पार्सल में ये लोग एक नया सेगमेंट ला रहे हैं जो कि अबाउट 8 एकर्स to 10 एकर्स में डेवलप किया जाएगा। अभी इसका जो इन्होंने कोड नेम दिया है वो है टॉर्नेडो। इसका भी पूरा डिटेल्ड वीडियो हम लोग जल्द ही लाइव करने वाले हैं, इसलिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में जितने भी वीडियोज हम डाल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अब हम लोग वेस्ट को काफ़ी डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। जॉयविले के इस प्रोजेक्ट पे हमें वर्क प्रोग्रेस दिखा, यशवंत प्रोजेक्ट पे भी हमें वर्क प्रोग्रेस दिखा। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं। इस पे वापस आते हुए अगर आप राइट साइड में देखें तो आपको ब्लू रिज की सोसाइटी दिख जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और टी पॉइंट से लेफ्ट टर्न लेंगे मानगांव रोड पे। राइट साइड में यहां रास्ता कटता है जो कि आपको बोड़केवाड़ी की तरफ ले जाता है। मानगांव रोड से अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहां से भी हमें VJ यशवंत प्रोजेक्ट दिख जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मान देवी मंदिर की तरफ, जिनके नाम पे इस गांव का नाम मानगांव पड़ा है। अभी लेफ्ट साइड में हम लोग देख पा रहे हैं मान देवी मंदिर को, इन्हीं के नाम पे जैसा मैंने आपको बताया इस पूरे इलाके का नाम मानगांव पड़ा। अगर हम देखें तो फेज 2 और फेज 3 ये मानगांव में ही आता है, इवन आपका हिंजौड़ी फेज 3 भोयरवाड़ी तक फैला हुआ है। ये पूरा इलाका मुलसी तालुका के अंदर आता है। इस मानगांव के रोड पे जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि TCG द क्लिफ गार्डन के पहले अगर हम लोग देखें तो रोड के दोनों साइड में प्लॉटिंग स्कीम फैली हुई है, जिसे आप गुंठेवारी भी कह सकते हैं। ये पूरा एरिया एक तरीके से सेतीना विकास और आर जोन में आता है, पर ये लैंड प्रॉपर NA लैंड नहीं है।
अब इसी रोड पे आगे बढ़ते हुए हम लोगों को लेफ्ट साइड में मिल जाता है TCG का द क्लिफ गार्डन प्रोजेक्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट में 6 टावर हैं, 2 हिस्से में इसका पूरा रेरा लिया गया है, जिसमें एक है आपका B&C और दूसरा है ADEF। तो दोनों का अगर पोजीशन डेट की बात करें रेरा के हिसाब से तो दिसंबर 2022 है, लेकिन जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है लगभग बिल्डिंग पूरी कंप्लीट है और काफ़ी लोग यहाँ पे शिफ्ट भी हो चुके हैं। कोशिश करूँगा कि इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के पास ले आऊँ जल्द ही, जिसमें कि यहाँ पे कैसी क्वालिटी है और लोगों का एक्सपीरियंस क्या है जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, वो सब आप तक ले आ सकूँ। इससे आगे बढ़ते ही हमें लेफ्ट साइड में दिख जाता है मेगापोलिस का सिम्फनी सेगमेंट। अब हम लोग इसी रोड पे सीधा आगे बढ़ेंगे पिरंगूट की तरफ, थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देते हैं और आगे का रोड किस तरीके से है वो देख के फिर हम लोग वापस आएंगे और फिर चलेंगे हिंजौड़ी Phase 3 की तरफ। अभी राइट साइड में जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में टावर दिख रहा है ये मेगापोलिस का ही सेगमेंट है स्प्रिंग्स, और इसके आगे अगर हम देखें तो सामने जो अभी आपको रेडी पोजीशन में दिख रहा है ये भी मेगापोलिस का ही सेगमेंट है और सेंग्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं इसे हिंजौड़ी मानगांव पिरंगूट रोड बोलते हैं। अभी राइट साइड में ये पूरा हमें मेगापोलिस का ही सेगमेंट दिख रहा है। मेगापोलिस का यहाँ पे 100+ एकर का पूरा लैंड है जहाँ पे एक तरीके से इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जा रही है, काफ़ी सेगमेंट इनके डिलीवर्ड किए जा रहे हैं और काफ़ी सेगमेंट्स अभी आने वाले भी हैं और कुछ सेगमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हैं। यहाँ पे चल के हम पूरा डिटेल लेंगे और आने वाले समय में हम लोग आपको इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी लाने वाले हैं। ये रास्ता सीधा आपको पिरंगूट तक ले जाता है और पिरंगूट के पास में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं जो कि मेनली घोटौड़े फाटा के आसपास में लोकेटेड हैं, और यहाँ से अगर उसके डिस्टेंस की बात की जाए तो अबाउट 7-8 किलोमीटर्स पे है। जब भी मैं पुणे वेस्ट में आता हूँ तो एक चीज़ मुझे बिल्कुल अलग लगती है, यहाँ पे आपको सह्याद्री हिल्स चारों तरफ दिखता है और यहाँ के जो हिल हैं वो मोर एंड लेस काफ़ी ग्रीन दिखते हैं, अनलाइक टू ईस्टर्न पुणे जहाँ पे आपको हिल तो दिखते हैं पर वहाँ पे इतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आती है। यानी कि अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पुणे वेस्ट जो है एक तरीके से नेचर से ब्लेस्ड है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा और इसका नेक्स्ट पार्ट कल लाइव करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। साथियों हमने बहुत सारे वीडियो पुणे रियल इस्टेट के बारे में ऑलरेडी डाले हुए हैं, जब तक आप उन्हें देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा है उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल के मेन पेज पे जाके बहुत सारे वीडियोस को ब्राउज करके आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए